तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब फैमिली कैसे हैं? तो अभी सुबह सुबह बज रहा है 2:30 और सुबह के अर्घ का तैयारी हो रहा है। तो यहाँ दीदी रेडी होकर सोई लेटी हुई है क्योंकि फास्टिंग पड़वैती है। और यहाँ सब लोग रेडी हो रहा है। यहाँ मेरा भाई कोशिश कर रहा है कि भाभी का झुमका पहन के ट्राई करे कुर्ता पैजामा पे लग कैसा रहा है। अब समझ ही रहे हैं कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। और यहाँ बड़ी भाभी भी रेडी हो चुकी है और यहाँ देख लीजिए ये साड़ी पहनते पहनते कुछ बोल रही है। खुशबू है बिरयानी, तुम शाही पनीर, मैगी तो 2 मिनट में बनता है, बिरयानी कितना, 2 घंटा में। ये दोनों मैगी है जो बना के चटापट नहा के आए, डाल लिए एक वो जींस डाल के वो कांता वाह देख रहे हैं। अच्छा कांता रहे अंधेरा करके वो सोचे भाई का बात है, अंधेरा है घर में गए तो कांता। चलो ताला लगाओगी? चलो तो चलो तो यहाँ फाइनली सब लोग रेडी हो चुका है और अभी बज रहा है 2:45 और हमारे यहाँ 2:45 बजे डाला निकल चुका है, हम लोग भी निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा, यार फोटो मटक मटक के चल रही है। और ये देखिए अभी बज चुके हैं घाट पे, कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना सुंदर डेकोरेशन। सही में ये फेस्टिवल ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हम लोग घाट किनारे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे सब जगह दीप दिया जला के पूरा जगमगा दिया जाता है छठी मैया के अर्घ के प्रसाद को। और उसके बाद इंतज़ार किया जाता है कि सूर्य देवता कब निकलेंगे। यहाँ सूर्य देवता निकल चुके और यहाँ पे जब तक हम लोग पिक ले रहे हैं और यहाँ सूर्य देवता निकलने का इंतज़ार कर रही हैं पड़वैती। अब सूर्य देवता निकलेंगे, उसके बाद अर्घ पड़ेगा, हम लोग भी पानी में अर्घ देंगे। और हो सके कि हमको टाइम नहीं मिल पाए कि हम वो वीडियो शूट करें क्योंकि सूप को हम ही को देना है और भाभी लोग भी देंगी। जो भी हो, यहाँ पे अर्घ भी पड़ चुका, सब कुछ हो गया। अब जो पड़वैती है वो सबको सिंदूर लगाती हैं और उसके बाद हम लोग सब कोई पैर छुएंगे, सिंदूर लगाएंगी, दीदी खोइचा देंगी, खोइचा में जो प्रसाद होता है वो मिलेगा। आज सही में बहुत ज़्यादा खोइचा हम लोग को मिल जाता है, पूरा आँचल भर भर के खोइचा मिलता है हम लोग को। जितने भी लोग पूजा करते हैं सब लोग प्रसाद देंगे, खोइचा देंगे। और यहाँ घर आ चुके हैं और हमारी फोटो रानी थोड़ा सा बोल रही, बुआ जी रील्स बनाओ ना, तो चलो इसके साथ रील्स बनाते हैं। तो गाइस फाइनली सब कुछ हो चुका है, अब हम लोग को जाने का तैयारी हो रहा है। तो पापा सब लोग को नारियल छील देते हैं और नारियल छील के देते हैं कि प्रसाद ले जाने में आसान होगा क्योंकि नारियल बहुत भारी होता है। और यहाँ चल रहा है चुलबुल के बर्थडे का तैयारी, तो आज ही चुलबुल का बर्थडे भी है तो शाम को बर्थडे मनेगा। यहाँ चुलबुल तैयारी कर रही है, चुलबुल के साथ हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, चुलबुल के साथ हम लोग नहीं, हम लोग के साथ सब, यहाँ तक कि भाभी, छोटी भाभी, बड़ी भाभी और हमारी एक चाचा की बहू जो वो भी छठ करती हैं, वो भी है, सब लोग मिलके चुलबुल के बर्थडे की तैयारी करके, क्योंकि सब लोग थका है और एक आदमी के बस का है नहीं। तो यहाँ थकावट दूर करने के लिए छोटी भाभी चाय लेके आई है, अब हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद फिर से बैठ के बलून फुलाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए हमारा कार्यक्रम चल रहा है फुलाने का और भाई का काम चल रहा है डेकोरेशन करने का। अरे हम लोग तो यहाँ तक कि पापा भी मेरे जो है ना वो भी बलून फुला रहे हैं क्योंकि उनको भी मन नहीं लग रहा था, तो पापा भी बच्चे बन गए हम लोग के साथ। यहाँ देखिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, भाई मेरा टोपी पहना दिया है बर्थडे गर्ल का और बोल रहा है तुम लोग अभी आज बर्थडे मनाएंगे, वही हम लोग हंस रहे हैं कि चलो हम लोग अभी बर्थडे मन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा था, यहाँ बर्थडे गर्ल भी तैयार हो गई है। और अब ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम पूरा वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ फाइनली पूरा सज चुका है, डेकोरेशन हो गया है और बर्थडे गर्ल भी तैयार हो गई है, तो फटाफट केक कटेगा। और फ्रेंड्स हमको आज निकलना भी है तो मेरा ट्रेन रात का। तो यहाँ आ गई प्रिंसेस, यानी कि चुलबुल की छोटी बहन प्रिंसेस, इतनी क्यूट है ना कि क्या ही बताएं आपको, बहुत अच्छा डांस करती है। इसको तो ऐसा लग रहा था कि मेरा ही बर्थडे है, खूब नाच रही है, खूब नाच रही है। यहाँ पे चुलबुल की दोस्त लोग भी सब आ गई है, बहुत अच्छा से बर्थडे इसका मना। हम लोग को लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा से बर्थडे मन पाएगा क्योंकि बहुत थकावट हो गया था। आप तो जानते ही हैं घर में पूजा होता है तो कितना ज़्यादा थकावट होता है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे आगे का वीडियो, तो अभी देख लीजिए वीडियो में
बने रहिएगा। तो चुलबुल का यहाँ दो केक आया है, तो एक केक हम खुद बनाकर लेकर आए थे चुलबुल के लिए और एक केक यहाँ से आया है। फाइनली केक कट चुका है, चुलबुल का कट रहा है और उसके बाद अब होगा खाना पीना। तो गाइज बहुत ज़्यादा थके थे तो हम लोग प्लान किए कि यहाँ पे बच्चों को बॉक्स नाश्ता खिला के काम चल जाएगा और हम लोग चल चलेंगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग रेस्टोरेंट जाके क्या खाएं और कौन से रेस्टोरेंट गए। और यहाँ बच्चों को नाश्ता दिया जा रहा है, बच्चा लोग नाश्ता लेके फिर अपना खाते खाते अपने घर चला जाएगा। उसके बाद गाइज फिर हम लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे और तब जाके वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा, यहाँ चल रहा है फोटो सेलिब्रेशन। ओ अरे वाह वाह वाह। तो चलिए अब हम लोग निकल चुके हैं रेस्टोरेंट के लिए और यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, बाहर बुलेट लगा तो बुलेट गर्ल बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ओह बन नहीं पाए क्योंकि बहुत थके थे ना। सोचे कि थोड़ा ट्राई करें चलाने का लेकिन नहीं चला पाए। यहाँ फोटो जा रही है रेस्टोरेंट तो अपने दादाजी को बता रही है कि दादाजी आपके लिए हम ये लेके आएंगे क्योंकि पापा खाना खा चुके हैं। तो गाइज हमको निकलना भी है तो अभी ननद का गृह प्रवेश है कल, तो आपको हम पूरा व्यू दिखाएंगे। अब हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच के खाना खा रहे हैं, फिर मिलते हैं, बाय।